नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 तो 23 दिन पहले हट गया। अब पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर से पाकिस्तान को हटाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने तय कर लिया है कि अगली बारी पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लहराएगा तिरंगा। धरती के स्वर्ग का ये वो टुकड़ा है जो धरती के नर्क के कब्जे में है। धरती का नर्क यानी पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है जहां के लोग पाकिस्तान के जुल्म सितम का अंत चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से उसको मुक्ति मिले, तो इस दिशा में हिंदुस्तान ने कदम बढ़ा दिया है। We're talking about Kashmir, this to discuss what is there to discuss in Kashmir. Kashmir is an integral part of India. From 1952 onwards, 54 onwards, elections are held. जब मैं सदन में जब जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूँ, तब तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को आ। किस मुद्दे पर बात किए तुम? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात नहीं। तो आप भी कर लीजिए तैयारी कि जल्द ही पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी तिरंगा लहराएगा। पाकिस्तान को पीओके से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर भागना होगा। भारत के नक्शे में सिर पर दिखता जम्मू कश्मीर का पूरा नक्शा अब की बार पूरा का पूरा हिंदुस्तान में होगा। मिशन कश्मीर तब तक अधूरा है जब तक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस नहीं लाया जाता। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने ठाना है कि पाकिस्तान को बता दिया जाएगा कि पीओके खाली करो, वहां हिंदुस्तान आता है। इस कड़ी में देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का पीओके पर बोलना काफी अहम और निर्णायक हो जाता है। We're talking about Kashmir, this to discuss what is there to discuss in Kashmir. Kashmir is an integral part of India. From 1952 onwards, 54 onwards, elections are held. Chief ministers are elected. There is an elected government at the state. Members of parliament are being elected. And what is there not to discuss? Yes, there is something remains to be discussed. I do agree. The remaining thing to discuss is about with our neighbor is hand over the remaining part of Kashmir to us. That is the okay. पाकिस्तान वाले कब्जे पर पहली बार हिंदुस्तान बेहद मुखर होकर बोल रहा है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान की तरफ अपना दावा ठोक दिया कि अगली बार बातचीत होगी तो पीओके पर ही होगी। बात यदि पाकिस्तान के साथ होगी तभी होगी, जबकि जो आतंकवाद को संरक्षण देने का काम, पैदा करने का काम पाकिस्तान अपनी धरती पर कर रहा है, जब तक उस आतंकवाद को समाप्त नहीं करता है तो पाकिस्तान से बातचीत करने का कोई कारण नहीं है मेरे बहनों भाई। और आगे भी जो बातचीत होगी, किस मुद्दे पर बातचीत होगी? अरे बात होगी अब तो पाक अधिकृत कश्मीर पर बात होगी बहनों भाई, और किसी मुद्दे पर बात। 5 अगस्त को राज्यसभा में जम्मू और कश्मीर को विभाजित करने और वहां से धारा 370 को हटाने पर हरी झंडी मिली। फिर लोकसभा में भी ये बिल पास हो गया। इससे देश में खुशी और आत्मविश्वास की एक लहर दौड़ी, तो उसी लहर का एक सिरा पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर तक पहुंचा कि अगली बारी उसकी ही है। जम्मू और कश्मीर भारत का अंग है, अभिन्न अंग है, इसके बारे में कोई कानूनी या संवैधानिक विवाद नहीं है। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। जब मैं सदन में जब जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को। जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की बात चल निकली है,
लेकिन कश्मीर के जरिए ही प्रधानमंत्री मोदी ने 3 साल पहले ही पाकिस्तान को समझा दिया था कि कश्मीर भूल जाओ, पीओके भी संभलने और बचने वाला नहीं है। पाकिस्तान की आवाम अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि पीओके तो आपके पास है, आप उसको भी संभाल नहीं पाते। कभी पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश, वो भी आपके पास था, उसको भी संभाल नहीं पाए। आप सिंध को संभाल नहीं पा रहे हो, आप गिलगित को नहीं संभाल पा रहे हो, आप पख्तूनिस को नहीं संभाल नहीं पा रहे हो, आप बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो। ये तो आपके पास है, आपका शासन है, आप इसको भी नहीं संभाल पाए हो, और आपको कश्मीर की बातें करके ये आपको गुमराह कर रहे हैं। पाकिस्तान को भी अंदाजा लग गया है कि पीओके उसकी मुट्ठी से फिसल रहा है, इसलिए उसके प्रधानमंत्री इमरान खान तिल मिलाए हुए हैं। आज तक ब्यूरो। हिंदुस्तान ने ललकार लगाई कि पीओके अब हमारा है, बस। उधर पाकिस्तान में मच गया घमासान। पाकिस्तान के नेताओं और रक्षा मामले के जानकारों तक को यह लगने लगा कि हिंदुस्तान के तीखे तेवर उसके लिए बुरे साबित हो सकते हैं। डर के मारे इमरान खान के मंत्री भी आतंकवादियों की भाषा बोलने लगे। पाकिस्तान के नेता ही इमरान खान पर माथा ठोक रहे हैं कि इसके राज में तो पीओके भी हाथ से गया ही समझो। ये नजर नहीं आया कि मोदी ने क्या मकबूजा कश्मीर छीन लिया है। पहले हमारा कश्मीर पे पॉलिसी क्या होता था? पहले पाकिस्तान का पॉलिसी होता था कि अब श्रीनगर कैसे लेंगे। अब खान की बात, इमरान की नाकामी के बाद, सिलेक्टेड की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से, इनकी ग्रीड की वजह से पाकिस्तान का क्या पोजीशन है कि हम मुजफ्फराबाद को कैसे बचाएंगे? ये आज पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की पोजीशन है। बातों बातों में बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का भविष्य बांच दिया, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान एटम बम की गीदड़ भभकी देते हैं तो उनके मंत्री तो 4 कदम आगे बढ़कर युद्ध की तारीख तक तय करने लगते हैं। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। ये जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है, जो ये नजरिए के ऊपर जा रहे हैं। मैं अक्टूबर के आखिर और नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान हिंदुस्तान में जंग होती हुई देख रहा हूं। इसके लिए कौम को तैयार करने निकला हूं। पीओके को पाकिस्तान ने अपने लिए आतंक की प्रयोगशाला बना दिया था, लेकिन भारत के मजबूत इरादे और तीखे तेवर को देखते हुए पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों और रक्षा विशेषज्ञों को भी लगता है कि कहीं पीओके हाथ से फिसल न जाए। भारत का जोश उनके होश ठिकाने ला रहा है। और मैंने अपनी उनके साथ हमारी 2 दफा नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग हुई है। पाकिस्तानी फौज को पूरी तरह पता है कि इन्होंने प्लान बनाया हुआ है आजाद कश्मीर में एक्शन लेने का। जिस तरह पुलवामा के बाद इन्होंने बालाकोट में एक्शन लिया था, उससे भी हमें जो इंफॉर्मेशन है, ज्यादा खौफनाक प्रोग्राम बनाया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी क्या करने वाले हैं ये किसी को पता नहीं होता, लेकिन ये तो सारा देश जानता है कि पीओके को वापस लाने के लिए मोदी सरकार कमर कसकर तैयार है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान, उसकी सेना, उसकी ISI और उसके प्रधानमंत्री इमरान खान, सबको ये लगने लगा है कि अब पीओके उसके हाथ से जाने वाला है। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर में प्रोपेगेंडा के भोंपू लगवाने शुरू कर दिए। इतना जो कम था कि इमरान खान ने कुछ क्रिकेटरों को भी पीओके बचाने की साजिश में लगा दिया है। आक्रोश की ये तस्वीरें पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की हैं। वहाँ के लोग पाकिस्तान के जुल्मो सितम से मुक्ति चाहते हैं। इसके लिए वो पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ जब तब सड़कों पर उतर आते हैं। इतना ही नहीं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ भी बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं, जिसकी चर्चा वो लाल किले से झंडा फहराते हुए 3 साल पहले कर चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान के लोगों ने, गिलगित के लोगों ने, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है,
जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है, वो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। और इसलिए ये सम्मान का भाव, धन्यवाद का भाव करने वाले बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगित के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। तो इनका सबूत ये होता कि बाकी भी पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि पीओके उसके हाथ से फिसल रहा है, इसीलिए पहले जो काम हाफिज सईद जैसे आतंकी करते थे वो काम अब पाकिस्तान सरकार के मंत्री कर रहे हैं। मुसलमान जीता पेट की खातिर नहीं है जी, मिशन की खातिर जिंदा रहता है मुसलमान। अगर कोई बंदा एक 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है, हज रख रहा है, रोजा रख रहा है, जकात दे रहा है, तो कमाल नहीं कर रहा, वो मुसलमान है, उस पर फर्ज है। लेकिन अगर जिहाद का वक्त आता है और मुसलमान उससे पीठ मोड़ता है, और जिस मुसलमान का ये ईमान नहीं कि जिहाद ईमान है, जिहाद इस्लाम है, जिहाद के बगैर वो मुसलमान नहीं है, जो आदमी ये समझता है कि वो जिहाद से मुंह मोड़कर इस आखरत में वो दोज़ख में जाएगा। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के लोग पाकिस्तान से बहुत नाराज हैं। ऐसे में उनके दिमाग में जहर घोलने के लिए पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा के पास पीओके में नया एफएम ट्रांसमिशन स्टेशन लगाने की तैयारी कर ली है। खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की 10 कोर के जीओसी ने कोर की सिग्नल्स यूनिट को ये जिम्मा दिया है कि वो एलओसी के पास नया एफएम ट्रांसमिशन स्टेशन लगाएं या पुराने की जगह बदलें। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ये पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के तहत किया जा रहा है और उनकी साजिश है कि वो जम्मू कश्मीर की जनता को अपना प्रोपेगेंडा से प्रभावित कर सकें। खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक पीओके के कोटली में आतंकियों की एक मीटिंग हुई, जिसमें आतंकी कमांडर अबू बकर और जकीउर रहमान लखवी समेत 40-50 आतंकी मौजूद थे। पाकिस्तान की हताशा देखिए कि एक तरफ तो वो आतंकियों पर दांव आजमा रहा है और दूसरी तरफ जावेद मियांदाद के बाद शाहिद आफरीदी जैसा क्रिकेटर भी झूठ का खेल फैलाने पीओके जा रहा है। आज तक ब्यूरो। कश्मीर तो इस धरती की जन्नत है, लेकिन उसका एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है। उस हिस्से में इतनी बर्बादी का आलम है कि वहां के लोग पाकिस्तान के खिलाफ लगातार बगावत करते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे जम्मू और कश्मीर के लिए 50,000 नौकरियों का सीधा सीधा ऐलान किया गया। जम्मू और कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बीच वहां की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास तेज हो गया है। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब एक साथ 50,000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी, वो भी सरकारी। हमारे पास 50,000 गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो हम भरेंगे, उसकी हम घोषणा करते हैं, नौजवानों से कहेंगे कि वो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, शिरकत करें। 50,000 नौकरियां हम आने वाले 2-3 महीने में यहाँ के नौजवानों को दे देंगे और ये वैकेंसीज भर देंगे। जम्मू और कश्मीर की तुलना पहले से ही जीवन स्तर के लिहाज से एक बेहतर राज्य के रूप में होती है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में बदहाली और आतंकवाद के डर के सिवा कुछ भी नहीं है। ऐसे में अगर पीओके भारत के पास आ जाता है तो उसके भी अच्छे दिन आ जाएंगे। आज तक ब्यूरो। अब हमारे कश्मीर का राग अलापना छोड़ दे पाकिस्तान, क्योंकि अब तो बारी पीओके की है। इसी के साथ विशेष में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।